और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला सचिव से मुलाकात की है। केंद्रीय कोयला सचिव और सीएम सोरेन की मुलाकात हुई है। केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात हुई है सीएम आवास पर। दोनों के बीच इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीसीएल के अधिकारियों ने भी सीएम से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीसीएल के अधिकारी भी मिले हैं। वहीं केंद्रीय कोयला सचिव ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। अमृतलाल मीणा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात में कई विषयों पर बातचीत हुई है। सीएम हेमंत सोरेन से केंद्रीय कोयला सचिव ने मुलाकात की। केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच झारखंड के खनिज संपदा को लेकर बातचीत हुई है। इसके साथ ही सीसीएल के अधिकारियों ने भी सीएम से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय कोयला सचिव और सीसीएल के अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात की है। सीसीएल के अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन से मिले केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने भी झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, कोयले के खनन को लेकर बातचीत की है। क्या बातचीत हुई, क्या जानकारी मिल रही है, इसके साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़ रहे हैं। सूरज, केंद्रीय कोयला सचिव के साथ ही सीसीएल के अधिकारियों की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री सोरेन से, क्या जानकारी मिल रही है मुलाकात के विषय को लेकर? देखिए, बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात बताई जा रही है। इससे पहले अमृतलाल मीणा की मुलाकात झारखंड के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के साथ उनकी मुलाकात हुई और कई विषयों पर उनकी बात हुई। इसके बाद उस मुलाकात के दौरान सीसीएल और बीसीसीएल के जो तमाम अधिकारी और पदाधिकारी थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। जाहिर तौर पर उसके बाद मुलाकात ही मुख्यमंत्री से भी हुई। फिलहाल झारखंड में जितने भी कोल ब्लॉक बंद है उसे किस तरह से चालू की जाए और जो वर्तमान में जो कोल ब्लॉक जो चालू है इसमें क्या कुछ होनी चाहिए, वैकेंसीज को लेकर क्या कुछ इनकी स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा जो कोल ब्लॉक से जिस तरह से कोयले की जो अवैध चोरी हो रही है, अवैध खनन हो रहे हैं, उसे किस तरह से रोक लगाई जाए, तमाम मुद्दों को लेकर अमृतलाल मीणा जो सचिव है कोल ब्लॉक के वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके तमाम जो चीजें हैं, तमाम हालात हैं उनसे उन्होंने अवगत कराया। और साथ ही जो बीसीसीएल या सीसीएल के जो अधिकारी है उनके साथ मुलाकात के बाद जो वर्तमान स्थितियां फिलहाल झारखंड में है उससे वो अवगत हुए। धन्यवाद सूरज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा सीसीएल के अधिकारी भी सीएम सोरेन से मिले हैं।